और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। ऐसे में केदारनाथ धाम में 3 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को यात्रा में सुचारू व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गए हुए हैं, लेकिन मौसम का मिजाज बदल गया है जिसके चलते केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा है। 3 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। और आपको बता दें कि लंबे समय से व्यवस्थाएं सुचारू करने की बात की गई थी, लंबे समय तक तैयारियां चली थी, लेकिन उसके बावजूद यात्रा में श्रद्धालुओं को सुचारू व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को यहाँ पर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 3 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक है। मौसम बिल्कुल बदला हुआ है, मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, हम जानकारी लेंगे। पंकज, 3 मई तक केदारनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं सबको मालूम था कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था ताकि मालूम चल सके कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं को व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है रहने के लिए, खाने के, पीने के लिए, और साथ ही साथ टोकन सिस्टम जो कि लागू हो रहा था, जाम की जो व्यवस्थाएं थी वो यहाँ पर ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस बात का अंदाजा शुरू में ही हो गया था जब रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए थे 20 फरवरी को। उसी वक्त जब रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ी तो ये अंदेशा हो गया था कि इस बार चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, और लगातार सरकारी स्तर पर ये दावे किए जाते रहे कि इस बार चारधाम यात्रा में बेहतर व्यवस्थाएँ होंगी, किसी भी श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होंगी। लेकिन यात्रा शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही सरकार की जो व्यवस्थाएँ वो चरमरा गई हैं। बद्रीनाथ धाम में कल जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके आसपास के क्षेत्र में यात्रियों को लगभग 5 से 7 घंटे इंतजार करना पड़ा, पानी तक नहीं मिल पाया उन यात्रियों को, और 5 घंटे में जो मलबा आया था उसको हटाने में सफलता मिल पाई। तो ऐसे में ये व्यवस्थाएं देखी गई हैं कि जब पहले से ही व्यवस्थाओं को चाकचौबंद करने के दावे किए गए थे, तो पहले ही ऐसे लैंडस्लाइड जोन पर जो JCP हैं या तमाम जो कर्मचारी हैं उनको व्यवस्थित क्यों नहीं किया गया। इसी तरह की दिक्कत केदारनाथ धाम में हो रही है। केदारनाथ धाम में संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए कल भी तकरीबन 9,000 के करीब ही श्रद्धालु वहाँ पहुँचे थे, और जब मौसम साफ होता है उस वक्त 20,000 के करीब श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन के पहुंचते हैं। और इसी वक्त जब यात्रा शुरुआत हुई है, अभी स्कूल कॉलेज बंद है, और स्कूल जब खुल जाएंगे मई का जो मिड महीना होगा उस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इस वक्त अगर श्रद्धालुओं के आने की संख्या बढ़ी है और सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुली है, तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में जब बड़ी इजाफा होगा तो कैसे व्यवस्थाएं होंगी। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, यात्रियों को सोनप्रयाग गौरीकुंड के आसपास रोका जा रहा है, उनको व्यवस्थित तरीके से आगे भेजा जा रहा है। इसी तरह की दिक्कतें अलग अलग जगह से हो रही है। अब सरकार ने चारों धामों में व्यवस्थाएं के लिए अलग अलग अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है ताकि वहां पर भीड़ प्रबंधन किया जा सके, व्यवस्थाओं को देखा जा सके, और जो भी यात्री वहां जा रहे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके। लेकिन अभी भी देखिए जिस तरह से मौसम बना हुआ है भी यहां पर लोगों को नहीं मिल पा रही है, खासा परेशानी यहां पर श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ रही है। और अब आगे देखना होगा कि इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू कैसे किया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। ऐसे में आज सीएम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर सकते हैं। गौचर पिथौरागढ़ पर उड़ान सेवाओं पर आज चर्चा हो सकती है। तो सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात होने वाली है। अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, और ऐसे में गौचर पिथौरागढ़ पर उड़ान सेवाओं को लेकर यहां पर अहम चर्चा की जा सकती है। ऐसे में उड़ान सेवाओं को लेकर यहां पर जो चर्चा होगी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये मुलाकात हो सकती है, और ऐसे में कई और मंत्रियों से मुलाकात होगी, कई मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत होगी, मंथन होगा। और ऐसे में उसी कड़ी में अभी सीएम धामी दिल्ली दौरे के लिए पहुंचे हुए। सीएम धामी कई मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी, और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसे में मुलाकात के बाद गौचर पिथौरागढ़ पर उड़ान सेवाओं को लेकर यहां पर अहम चर्चा की जा सकती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, कई मुद्दों को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा,
चर्चा की जाएगी और ऐसे में उड़ान सेवाओं को लेकर आज अहम चर्चा की जा सकती है। ऐसे में गौचार और पिथौरागढ़ पर जो उड़ान सेवाएं हैं उनको लेकर भी यहां पर चर्चा की जा सकती है। उत्तराखंड में मौसम के येलो अलर्ट के बाद ऑरेंज अलर्ट, अगले दो दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं और ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है और ऐसे में ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर सहित कई जिलों में अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। अगले दो दिनों तक यहां पर भारी बारिश देखने को मिलेगी और ऐसे में मौसम के येलो अलर्ट के बाद अब ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। तो बारिश के साथ ही तेज हवाएं, ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान यहां पर है। ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि चारधाम यात्रा में भी किस तरीके से श्रद्धालुओं को बर्फबारी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर सहित कई जिले हैं जहां पर यह अलर्ट जारी किया गया। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रवि, येलो अलर्ट के बाद अब ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है और ऐसे में दो दिनों तक यहां पर भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल हर्ष, देखिए 3 मई तक बात करें तो उत्तराखंड में हाई अलर्ट है मौसम का और ऐसे में आज हम देख रहे हैं कि कल देर शाम से मौसम बदल गया था। लगातार पहाड़ों या मैदान लगातार बारिश हो रही है। ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जिन जिलों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है उनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले हैं और इन 3 जिलों में ही 4 धाम है, यानी कि इन 4 धाम में अच्छी बर्फबारी इस बार फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन ये बर्फबारी श्रद्धालुओं की दुश्वारियां जरूर बढ़ा सकती है क्योंकि जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो भारी बारिश के साथ ही ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में चाहे लैंडस्लाइड की दिक्कतें हो, बर्फबारी हो या फिर अधिक बारिश से जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनको दिक्कतें जरूर हो सकती हैं। तो मौसम विभाग ने अपने अलर्ट के साथ ही यहां पर आ रहे श्रद्धालुओं को सलाह भी दी है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही वो अपनी यात्रा में आगे बढ़े। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे बच्चे यात्रा में आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस दौरान यात्रा में आने से परहेज करें। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में देखा जाए तो मौसम बदल चुका है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर 4 धाम है वहां पर मौसम काफी दिक्कतें भी शुरू कर सकता है जहां पर जिस तरीके से मौसम बदला हुआ है। ऐसे में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है, जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। इन 3 जिलों के अलावा अगर बात करें तो कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में वहां पर भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किसानों को भी इस बार इन 2 दिनों की बारिश से काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि बारिश के साथ ही ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में अधिक ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तेज हवाएं और अंधड़ जो उत्तराखंड में है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में काफी दिक्कतें मौसम जरूर बढ़ा सकता है। यात्रा की शुरुआत से ही लगातार उत्तराखंड में मौसम बदला हुआ है। 22 तारीख से यात्रा की शुरुआत हम यात्रियों के लिए भी और साथ ही साथ जो आम लोग हैं और किसान हैं खासतौर पर उनको बारिश से काफी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।